से, जी, बेरोजगारी कहाँ नहीं है? है। आप सरकार को चुनते तो आप ही है ना? बिल्कुल। तो आप अच्छे लोग को क्यों नहीं चुनते? जब चुनाव आता है और आपको अवसर मिलता है कि आप अपने बच्चों का भविष्य तय करना है आपको, तो उस समय तो आप भाई एकदम जातिवाद में घुस जाते हैं, इनका पार्टी में घुस जाते हैं, उनके पार्टी में घुस जाते हैं, झंडा लेकर पीछे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं भाई? आपको एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित जो हमारे बच्चों के भविष्य को बड़ा कर सकता है। आप बिहार में बताइए, मैं जितने भी लोग हैं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, कोई आदमी अच्छा अस्पताल बनाने की कोशिश की नहीं की? हमारे नेताओं का इलाज पटना में हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि उन्होंने अपने लिए अस्पताल नहीं बनाया। बिल्कुल। तो हम नागरिकों के लिए कहाँ से बना पाएंगे? किसी भी हमारे बिहार के नेता हो, उनसे पूछिए कि उनका बच्चा पटना में पढ़ता है क्या? नहीं। सब बाहर पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए कि जब उन लोगों ने अपने बच्चों के लिए नहीं बनाया, तो बिहार के बच्चों के भविष्य कहाँ से तय कर पाएंगे वो? तो बात वहाँ है कि हाँ, सोचने की बात है। ये बताइए कि हमें अच्छी चीज़ खरीदने के पैसे मिल गए और हम जाकर घटिया चीज़ खरीद लिए, तो उसमें गलती उस सामान वाले की है कि हमारी है? हमारी गलती है। जब अवसर मिलता है कि हम कुछ अच्छा चीज़ लें, तो हम नहीं ले पाते हैं, वहाँ हमारी पे हमारी कास्ट विजन भारी हो जाती है। तो देखिए, आज पढ़े लिखे लोग हैं, नो डाउट, बिहार में बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं। हर आदमी अपने बारे में सोचता है, लेकिन जब सब लोग मिल के अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो हमारा बिहार कम नहीं है किसी से। हमारे बिहार के अंदर बहुत प्रतिभा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार में अभी छुपी हैं। सबसे ज़्यादा IPS हमारे बिहार से निकलते हैं, इसलिए निकलते हैं कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है सर। हमारे पास अगर होता तो शायद बहुत सारे रोजगार होते हैं। यहाँ एक भी फैक्ट्री बताइए, चंदा के पैसा से अब घर चला सकते हैं सर। अब केंद्र के पैसे आएंगे, उसके बाद हमारे में हमारा विकास होगा? संभव ही नहीं है सर। राज्य में हमारे क्या, किस चीज़ का टैक्स मिलता है आज दिल्ली को डेवलप करने का? दिल्ली में फैक्ट्रियाँ हैं तो टैक्स लोग पे करते हैं ना। आज कलकत्ता में टैक्स पे करते हैं ना लोग, क्योंकि वहाँ उद्योग है, और उद्योग जहाँ होगा वहाँ टैक्स ज़्यादा होगा, और टैक्स होगा तो आपके शहर का उन्नति होगा। तो शहर की उन्नति का कौन सा फैक्ट्री है? यहाँ तो इतना सारा चीज़ है कि लोग डर के मारे फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते। तो क्या करिएगा महाराज? अब उसके लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। मैं तो लोगों को कहता हूँ भाई कि भाई मैं कुर्सी पे तो बैठा नहीं हूँ, मैं मेरा एक जगह इंटरटेन है, मैं उसमें ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, और लोगों के दिल में मेरे रहने का एक है कि मुझे रहना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के दिल की आवाज़ सुन के मैं उनका काम करूँ।